दर्शकों नमस्कार। दर्शकों आज की कड़ी में हम बात करते हैं औषधीय पौधे के बारे में, जो अपने आसपास काफी प्रचलन में है, लोगों में काफी उसको लगाने के लोग इच्छुक हैं। वो पेड़ है, उसका नाम है अर्जुन, जिसका वनस्पतिक नाम है टर्नेलिया अर्जुना। देखते हैं कैसा होता है ये पौधा, कैसे इसको लगाया जा सकता है और क्या है इसके फायदे। दर्शकों आज हम बात करते हैं अर्जुन के पेड़ के बारे में। अर्जुन का पेड़ जो है एक तरह की औषधीय पौधा है और ये सदा हरा भरा रहने वाला पेड़ है। आम तौर पर ये पेड़ आपको नदी नालों के आसपास देखने को मिलेंगे। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने ये पेड़ का अगर झुरमुट एक जगह देखना है तो वो इंडिया गेट के आसपास आपको बेहद आसानी से आपको देखने को मिल सकते हैं। आज की तारीख में अर्जुन पेड़ जो है बहुत ही लाभकारी पेड़ है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड आज के दिन काफ़ी बढ़ गई है। अर्जुन के पेड़ से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं, और जिसकी वजह से इसकी अच्छी खासी मांग है बाज़ार में। अर्जुन का वनस्पतिक नाम टर्नेलिया अर्जुना है और इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि निमरुत, घवल, ककुंभ तथा नदी सर्ज, क्योंकि ये नदी और नालों के किनारे पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, इसकी वजह से इसको नदी सर्ज भी कहा जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसको कहुआ तथा सादड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अर्जुन का पेड़ भारतवर्ष में वैसे तो पाया जाता है, परंतु अधिकांश तादाद में ये पाया जाता है हिमालय की तराई वाले इलाकों में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में बहुतायत में ये पाया जाता है। लोग इसकी औषधीय गुण की वजह से इसे अपने आसपास लगाना बेहद पसंद करते हैं। अर्जुन एक औषधीय पौधा है जो कि अपनी जीवन काल में लगभग 30 मीटर तक की हाइट ऊंचाई तक बढ़ जाता है। अर्जुन के पेड़ पर मार्च से लेके जून के महीने के बीच में फूल आते हैं जो कि पीले रंग के फूल होते हैं, और अगर आप इसको दूर से फूलों को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे हरे हरे शहतूत हो। अर्जुन के पेड़ पे आए फूलों से थोड़ी बदबू वाली स्मेल आती है जो कि मनुष्य को अच्छी नहीं लगती है। अर्जुन के पेड़ की जो छाल होती है बेहद लाभकारी होती है, औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। अर्जुन की जो छाल होती है बेहद कड़वी होती है और कहा भी ये जाता है कि जो दवा जितनी ज़्यादा कड़वी होती है उतनी ही ज़्यादा असरकारक होती है, और ये कथन अर्जुन की छाल के लिए सही प्रतीत होता है। अर्जुन की छाल से हृदय रोग, क्षय यानी कि टीबी, पित्त, सर्दी, खांसी, अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल की अगर मात्रा हो गई है तो उसको कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, मोटापा जैसी जो बीमारी है उसको दूर रखने में सहायक सिद्ध होता है। सौंदर्य प्रसादन जिसको कि हम बोलते हैं क्रीम, सौंदर्य के लिए जो क्रीम बनती है उसमें भी इस अर्जुन की छाल का प्रयोग किया जाता है। चेहरे पे मुहासों से निजात दिलाने में भी अर्जुन की छाल कारगर सिद्ध होती है। इसके अलावा पेट के जो अल्सर होते हैं उसको भी काफ़ी हद तक ठीक करने में मददगार होती है। नाक और कान से खून बहने की बीमारी होती है उसे रक्त पित्त कहते हैं, इस रक्त पित्त को भी काफ़ी हद तक रोकने में ये सहायक सिद्ध होती है। पेचिस यानी कि डायसेंट्री को रोकने में भी ये काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में और हृदय संबंधित विकारों को दूर करने में बहुत ही कारगर औषधि है। अर्जुन की छाल से अस्थमा जैसी बीमारियों से भी निजात पाई जा सकती है। अर्जुन की छाल को अगर शहद के साथ मिलाकर उसका अगर लेप लगाया जाए तो टूटी हड्डी को जोड़ने में सहायक सिद्ध होता है और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। अर्जुन के पेड़ से प्राप्त जूस के द्वारा कान दर्द की दवाई भी तैयार की जाती है जो कि काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो रही है। अर्जुन के पेड़ से होम्योपैथिक की एक दवाई जिसको कि अर्जुना टिंचर कहते हैं वो भी तैयार की जाती है। अर्जुन के पेड़ के अंदर बीटा सिटोसिट्रोल होता है, एलिजिक एसिड होती है, ट्राई हाइड्रो ऑक्सी
नाइट्राइट टर्पिन होता है, मोनोकार्बो केसलिक एसिड होता है, इसके अलावा अर्जुनिक एसिड पाया जाता है जो कि बहुत ही लाभकारी होता है विभिन्न प्रकार की औषधियों को बनाने में, जिसकी वजह से अर्जुन का पेड़ एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा बन गया है। इन सब पदार्थों की वजह से अर्जुन के पेड़ से विभिन्न प्रकार की औषधियां तैयार की जाती हैं, जिसकी वजह से बाज़ार में इस पेड़ की अच्छी खासी मांग है। लोग अब इसके अलग अलग रूप से इसके बगीचे लगाने लगे हैं ताकि इससे छाल प्राप्त की जा सके, और ये छाल ही बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय गुण वाली है। और अगर आपको अर्जुन की छाल की आवश्यकता है तो आप पंसारी की दुकान में जाकर अर्जुन की छाल प्राप्त कर सकते हैं, और उनके पश्चात आप उसका उपयोग औषधीय गुणों के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप हृदय विकार से ग्रसित हैं या आप मधुमेह से ग्रसित हैं तो आप इसकी जो है चाय बना के पी सकते हैं। इसके लिए आपको एक चम्मच अर्जुन छाल का चूर्ण और एक कप दूध और उसमें मिश्री मिलाकर आप चाय तैयार कर सकते हैं, और इसमें इसका सेवन दिन में 3 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको लाभकारी एवं फायदेमंद आपके लिए सिद्ध होगा। और अगर आप चाहें तो अर्जुन की जो छाल है उसको ग्लास के अंदर पानी भरकर उसको रात भर भिगो दें और सुबह उसका सेवन करें, यह भी काफ़ी लाभकारी सिद्ध होता है। कुछ लोग सावल टी के द्वारा भी इसका उपयोग करते हैं, जिसके अंदर अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौंग इत्यादि का मिश्रण होता है, और उसमें आप चाहें तो मिश्री भी मिला सकते हैं। और क्योंकि सब जैसे कि आप जानते हैं कि जो अर्जुन की जो छाल है वो काफ़ी कड़वी होती है, तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें मिला लेते हैं तो उससे उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और सेवन आप आसानी से कर पाते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। अंत में मैं कहूँगा अर्जुन का जो पेड़ है वो बहुत ही लाभकारी पौधा है, और इसे आप किसी भी अच्छी नर्सरी से प्राप्त कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपने आसपास खाली जगह में इसको लगा सकते हैं और इसके औषधीय गुणों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दर्शकों आपने इसे पहले लगा रखा है और आप इसको काम में ले रहे हैं तो आप अपने अनुभव हमारे से शेयर करें। और अर्जुन के पेड़ को अगर आप लगाना चाहते हैं तो बरसात की ऋतु में या फिर फरवरी माह में आप 2x2 का खड्डा खोद कर इसमें लगा सकते हैं। अर्जुन का पौधा आमतौर पर आपको बाग बगीचों में देखने को मिल सकता है, पब्लिक पार्क्स में देखने को मिल सकता है, रोड के किनारे देखने को मिल सकता है, एवेन्यू ट्रीज के रूप में लोग इसको लगा रहे हैं, साथ ही सोसाइटी के जो गार्डन्स हैं उसमें देखने को मिल सकता है, और कुछ लोग इसको अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने घरों के आसपास भी लगाना पसंद करते हैं। आप हमें बताएं कि आपने पहली बार इस पौधे को कहाँ देखा और कैसे आपने इसका उपयोग किया, कृपया अपने अनुभव साझा करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सुनते रहिए रेडियो द्वारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।